रेडियो हाँ जी पे सभी लिसनर्स का स्वागत है। और आज शूटिंग का बेसिकली काफ़ी गोल्डन डे रहा है और वो हीना सिद्धू की वजह से रहा है। काफ़ी मेहनत किया 10 मीटर जो एयर पिस्टल मुकाबले में, हालांकि स्वर्णिम सफलता है जो वो नहीं मिली है, बट 25 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने सोने का जो पदक है भारतीय टीम के लिए जीता, वो हमारे साथ हैं। स्वागत करते चलते हैं उनका। स्वागत है हीना जी आपका। थैंक यू। हिंदी में So what you will say about the whole event in your performance and the Indian team performance? I'm very happy with the Indian team's performance. We've already got 11 medals and we still are not done with our competitions. We still have some more competitions coming. So we'll get some more medals, I'm sure. Last time jo aapki performance rahi thi Commonwealth Games mein, jahan अगर हम देखें जो आपका पेट इवेंट है 10 मीटर्स में, उसमें इस बार गोल्ड नहीं मिला, सो उसकी डिसअपॉइंटेड है आप? थोड़ी सी, बट आई थिंक 25 मीटर्स भी मेरा ही इवेंट है। अभी 2 साल हो गए मेरे को ट्रेनिंग करते हुए, तो 25 मीटर्स में भी मैंने मेडल लिया, तो इट्स बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्क, द कोच एंड द होल टीम्स हार्ड वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अपकमिंग जो गेम्स हैं, एशियन गेम्स, उसके बाद ओलंपिक गेम्स हैं, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? Preparations ठीक चल रही हैं। This is a stepping stone. So as you can see that I've already won 2 medals. So the preparations are going in the right direction. I'm very positive about our results. अच्छा, कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जो काफी शूटर्स ऐसे हैं जो काफी यंग थे, जैसे मेहुली है, so they achieved the silver medal as well. तो क्या लगता है शूटिंग जो बेसिकली फ्यूचर हम देखते हैं शूटिंग का, हमने अभिनव बिंद्रा से आपके हाथ में कमांड आई है, गगन नारंग से आपके हाथ, आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें, यंग शूटर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? यंग शूटर्स भी अच्छा कर रहे हैं और हम लोग को चाहिए कि और यंग शूटर्स सीनियर शूटर्स में तब्दील हों, उसमें थोड़ी सी कमी रह रही है अभी भी जी। तो मेरा यही होगा जूनियर से कि वो अच्छा परफॉर्म करते रहें, हर एक मैच से सीखते रहें और इम्प्रूव करते रहें। वी नीड गुड शूटर्स इन द फ्यूचर। क्या बेसिकली, क्योंकि शूटिंग इज अ वेरी माइक्रो स्कोर इवेंट, तो कैसे लगता है आपको कौन कौन से जो नए शूटर्स हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपने आप को कंसिस्टेंसी परफॉर्म करने के लिए? शूटिंग बहुत लंबी स्पोर्ट होने वाली है, तो हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है, उस पर काफी टाइम लगता है और इस वजह से शूटिंग मतलब बहुत ही कम्पिटिटिव स्पोर्ट बनता है। तो यही है मेरा उनसे एडवाइस कि वो लगे रहें अपने काम पे और ध्यान देते रहें। थैंक यू शीना जी, और आपको एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रेडियो हाँ जी पे सभी लिसनर का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। शूटिंग का जो यहाँ पे दल है उसके साथ रौनक पंडित हमारे साथ हैं, जो हीना सिद्धू के पर्सनल कोच भी हैं और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो भी साथ में देख रहे हैं। और मेलबर्न की जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारतीय भारत के लिए पदक भी जीता था, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है रौनक। थैंक यू सो मच। ओवरऑल सर कैसे देखते हैं अभी तक, अगर हम ग्लासगो गेम्स के साथ ये गेम्स कंपेयर करें, कैसी है आप? ग्लासगो गेम्स में हमने टोटल 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे, जबकि अभी हमारे अराउंड 5 to 6 इवेंट्स बचे हुए हैं और हमने 4 गोल्ड मेडल्स ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। सो ऑब्वियसली वी आर ऑन अ मच बेटर पेडेस्टल दिस टाइम, और 4 में से 3 तो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ में आए हैं, और जो हीना सिद्धू का कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ में जो गोल्ड मेडल आया था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 पॉइंट कम था, तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंसेज के साथ इस बार हमारे मेडल्स आए हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे गगन जी का काफ़ी सीनियर शूटर हैं बट हमें वो सफलता नहीं मिली है शूटिंग में, ऑलवेज ये रहता है, तो क्या रहता, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करके ऐसी जो असफलताएं हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं? सी, पहली बात तो शूटिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एंड बाकी स्पोर्ट्स में जहाँ पे हम टेस्टोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन को हाई करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पेप करने की कोशिश करते हैं अंडर प्रेशर, ये ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे अंडर प्रेशर आपको अपने आप को काम करना है। सो हम बाकी स्पोर्ट्स के तरह से एक तरह से कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं, एंड ये होता है कि जैसे गगन ने 2006, 2010, 2014 में इतने 11-12 मेडल्स टोटल अभी तक लिए हैं, बट इस कॉम्पिटिशन में वो अपना मेडल नहीं जीत पाए, वो एक दिन की बात होती है। मतलब हम चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ले, चाहे जितनी प्रेपरेशन कर ले, पर अगर उस दिन छोटी मोटी सी कोई चूक हो जाए तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, एंड अगर कभी कभार ये चीज़ अगर हो जाए तो हमें उस प्लेयर को
कि अब वो प्लेयर के दिन खराब हो गए ये सोचने की जगह बस ये सोचना चाहिए कि वो एक दिन सिर्फ कम था जहाँ पे वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाए, और हो सकता है आप अगले दिन अगर उनकी मैच लेते शायद वो फर्स्ट रैंक पे उभर आते। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, सो आई थिंक वी शुड जस्ट इग्नोर दैट वन डे एंड नॉट फॉरगेट दैट गगन हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मर्स एवर एंड वी शुड विश हिम द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अच्छा, एशियन गेम्स में जो कंपटीशन और भी टफ है कॉमनवेल्थ गेम्स के अगर हम देखें कंपेयर करके, तो कैसे लगता है एशियन गेम्स की तैयारी? यस, कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कॉमनवेल्थ गेम्स से थोड़ा हाई होता है, बट एशियन गेम्स में प्रेशर काफी कम होता है कम्पेयर टू कॉमनवेल्थ गेम्स, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स में हम जब भी यहाँ आते हैं हमसे सिर्फ गोल्ड की उम्मीद की जाती है, सिल्वर ब्रॉन्ज को तो कोई सोचता ही नहीं है। तो प्लेयर्स पे जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, एंड इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स एक्चुअली लो स्कोरिंग मैच होती है बिकॉज प्रेशर इतना हाई होता है, जबकि एशियन गेम्स में हम थोड़े फ्री माइंड से कम्पीट कर पाते हैं। सो इंस्पाइट ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बींग हाई, बट थोड़ा प्लेयर्स पे प्रेशर कम होता है, इसलिए आई थिंक विद ऑल द ट्रेनिंग दैट वी हैव बीन डूइंग इन द लास्ट ओलंपिक साइकिल, पिछले 3-4 साल में जो हमने ट्रेनिंग की है, तो इस बार आई एम प्रिटी श्योर एशियन गेम्स में भी हमारे रिजल्ट एट पार विद कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। प्रणय जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमारे साथ बातें की हैं, और आने वाली जो एशियन गेम्स है उसके लिए भी, और खासतौर पर ओलंपिक के लिए भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच।